हेलो दोस्तों, मैं हूँ हाशिम बाजार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल साथ। तो आप देख पा रहे होंगे ये हीरो HF डिलक्स का टंकी दोस्तों, और इसमें मिसिंग का इशू है और इसका टंकी में पानी का भी प्रॉब्लम है, पानी निकला है थोड़ा बहुत। और इसका ये है हमारा फुल मोटर है दोस्तों, और इसको हम साफ़ करेंगे, पूरा तरह से क्लीन करेंगे, इसको हम बाहर की तरफ निकालेंगे। तो दोस्तों इसमें देख पा रहे होंगे 8 नंबर बोल्ट यूज किया गया है कंपनी, 6 बोल्ट है दोस्तों। और इसको हम खोलते हैं और आगे का आपको बता देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये हमारा खुल चुका है दोस्तों, और इसको एकदम आराम से निकालना है। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से दोस्तों एकदम प्रेम से इसको निकालना है। इस तरह से ये हमारा फ्यूल मोटर है दोस्तों, देख पा रहे होंगे आप। और इसको किस तरह से क्लीन करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जाली है, इसको हम पूरा तरह से साफ करेंगे। तो दोस्तों इसको हम साइड में रखते हैं, आगे का बता देंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये हमारा HF डिलक्स का फुल मोटर है, और इसमें कचरा कोई ज़्यादातर का नहीं है, फिर भी इसको हम साफ़ करेंगे क्योंकि पानी का इशू है, अंदर तक पानी गया है। तो इस तरह से दोस्तों आराम आराम से आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से इसको खोलना है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस तरह से दोस्तों आराम से चाड़ना है, टूटने का चांसेस रहता है क्योंकि सब फाइबर का रहता है। इस तरह से आपको ओपन करना है आराम आराम के साथ, इस तरह से दोस्तों चाड़ के, और इसको इस तरह से पुश करना है। 3 लॉक होता है, 4 3 तरफ से, यहाँ पर देख पा रहे हूँ बंद। तो इस तरह से इसको ओपन करना से चाड़ के एक तो नान के साथ से निकाल देना। और ये हमारा फिल्टर है, आप देख पा रहे हैं जितना भी पेट्रोल जाता है दोस्तों इसमें फिल्टर होके जाता है, क्योंकि हमारा कोई कचरा का इशू ना रहे, फिल्टर में कोई तरह का दिक्कत ना आए, इसलिए इस तरह से कंपनी यूज किया है। अब हम फिल्टर को निकालेंगे और इसका पूरा पानी हम साफ़ करेंगे दोस्तों। इसको भी इसी तरह सेम प्रोसेस है, इस तरह से आप देख पा रहे हो यहाँ पर आराम के साथ इसको चाड़ना है दोस्तों। इस तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस तरह से दोस्तों ये हमारा निकल चुका है एक साइड का, और ये हमारा दूसरा साइड वाला है। इसको भी तो दोनों साइड लॉक रहता है दोस्तों, इत्मीनान से पेचकस से चाड़ के इसको निकालना है। आप देख पा रहे हो ये हमारा फिल्टर अलग हो चुका है, और इसमें ओरिंग है, आप ध्यान दें ये ओरिंग प्रॉपर तरह से लगाए, नहीं तो बाहर से पेट्रोल खींचेगा दोस्त। इस तरह से हमारा क्लीनिंग हो चुका है, और इसमें देख पा रहे होंगे तो ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पर देख पा रहे होंगे पूरा तरह से। इसमें पूरा पानी का इशू था दोस्तों, इसलिए हम प्रॉपर तरह इसको साफ़ कर रहे हैं। जो भी मोटर के अंदर है वो पेट्रोल हम बाहर निकालेंगे, और जो भी पानी होगा इसके अंदर वो भी निकल जाएगा। ये देख पा रहे होंगे ये फिल्टर हमारा कोई ज़्यादा गंदगी नहीं दोस्तों, अब इसको करेंगे से और उसके बाद इसको लगाएंगे। इस तरह से हम पूरा साफ़ कर लेते हैं इसको, और देख पा रहे होंगे जाली को पूरा तरह से हम साफ़ कर चुके हैं दोस्तों। ये साफ़ है हमारा, ऐसे भी कचरा इसमें नहीं था। अब मोटर के अंदर दोस्तों पेट्रोल भी है और अपना पानी भी इंटर है, तो इसको किस तरह निकालना है। मोटर में हम 12 वोल्ट अटैच करेंगे, हमारा तेल है इधर से फेंक देगा, तो देखते हैं आपको इस तरह से। ये देख पा रहे होंगे कुछ भी नहीं दोस्त, इसका साउंड आपको सुनने में आ रहा होगा, हमारा मोटर पूरा परफेक्ट तरह चालू है। और इसमें देख पा रहे होंगे जो भी थोड़ा बहुत होगा दोस्तों वो रिटर्निंग इधर से निकल जाएगा, बाकी इस ओर से नहीं फेंक पा रहा है क्योंकि हमारा फ्यूल मोटर में डूबा रहता है दोस्तों, तब हमारा प्रॉपर काम करता है। तो इस तरह से हमारा देख पा रहे होंगे जो भी है क्लीनिंग हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से साफ़ किया जाता है, और ये हमारा कनेक्टर इसको निकाल देंगे प्रॉपर तरह से। तो दोस्तों इसमें आपको समझ में आता होगा रेड वाला है अपना, प्लस वाला है, तो प्लस वाला ही साइड है, और ये अपना माइनस वाला है, ब्लैक वाला है। तो दोस्तों सेम प्रोसेस रहता है, तो देख सकते हैं ये हमारा पूरा तरह से हो चुका है। अब कंप्लीट इसको हम फिटिंग करेंगे और गाड़ी में लगाएंगे दोस्तों, और देखते हैं मिसिंग के प्रॉब्लम गया या है। पूरा तरह से क्लीनिंग हो चुका है, और फिल्टर को हम उस तरह से लगाएंगे जिस तरह से खोले थे दोस्तों। तो प्रॉपर ध्यान रखना है हमारा किस तरह से लगेगा ये, क्योंकि फाइबर का चीज़ है दोस्तों, ये टूटने का चांसेस रहता है। कंपनी सब जगह इसमें निशान देता है दोस्तों, समझने का वो रहता है। आप देख पा रहे हैं इसका कट का निशान है, और ये हमारा कट वाला है। इस तरह से इसको हम अटैच करेंगे, दोनों साइड लॉक रहता है। इस तरह से दोस्तों इसको प्रेम से हम देख सकते हैं, इस तरह से ये हमारा बैठ चुका है। प्रॉपर तरह इसको लॉक कर दें, नहीं तो निकलने का चांस रहेगा। ये हमारा देख सकते हैं आप पूरा तरह से ये बैठ चुका है। उसके बाद हम लगाएंगे इसको इस तरह से, आप देख पा रहे होंगे ये। तो दोस्तों इसमें इस तरह से इसको यूज करना है, इसमें असेंबल करना है इस तरह से, आप देख पा रहे हैं इस तरह से।
कार तो थोड़ा सा। तो इस तरह से दोस्तों इसको बैठाना है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये कट का निशान है और यहाँ पर हमारा है और एक इधर है दोस्तों। तो सही जगह पे बैठाने से दोस्तों ये आराम से बैठ जाता है, आप देख पा रहे होंगे इस तरह से, इसको आराम से इस तरह से इसको हम पुश करेंगे, ये हमारा प्रॉपर तरह से बैठ चुका है, आप देख पा रहे होंगे कंप्लीट बैठ चुका है दोस्तों। इसको हम कंप्लीट लगाते हैं टंकी में और गाड़ी में अटैच करते हैं और आगे का आपको बताते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हमारा क्लीनिंग हो चुका है, इसको हम इस तरह से असेंबल करेंगे टंकी की तरफ, इस तरह से इसको प्रॉपर बैठाना है दोस्तों, नहीं तो तेल इसमें लीक करने का इशू हो जाता है। उसके बाद दोस्तों बैठाने के बाद ये हमारा देख पा रहे होंगे इस तरह से। तो दोस्तों उल्टा सीधा होने का कोई चांसेस नहीं है, सब चीज़ में निशान दिया हुआ है, देख पा रहे होंगे यहाँ पर कट है और यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो इस तरह से ये बैठेगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस तरह से बैठेगा ये, और इसका बोल्ट हम सारा लगाएंगे, इसमें छः बोल्ट लगा चुका है दोस्तों, और छः बोल्टों को हम इसमें टाइट करेंगे, इस तरह हम करेंगे। 8 नंबर का बोल्ट आता है यहाँ पर और ये बोल्ट को हम टाइट करते हैं, आगे का बताते हैं। और गाड़ी का हम करेंगे स्टार्ट, करेंगे चाबी को ऑन इस तरह से, तो इसको 4 से 5 बार हम ऑन ऑफ करेंगे इस तरह से, आप देख पा रहे होंगे इस तरह से, और देख पा रहे होंगे और गाड़ी को करेंगे हम स्टार्ट इस तरह। गाड़ी स्टार्ट कर चुके हैं दोस्तों, हमारा चेक इंजन लाइट जा चुका है, आप देख पा रहे होंगे पूरा तरह से हमारा फाइनल हो चुका है, गाड़ी में कोई तरह मिसिंग नहीं, कोई इशू नहीं है, प्रॉपर तरह से हमारा काम हो चुका है। गाड़ी को ऑफ करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारा बेल आइकन को भी ऑन करो ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो आज तक के वीडियो यहीं करते हैं।